बहुचर्चित अध्यापक सेशन जज की हत्या के विरोध में और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और मृतक के परिजन मिनी सचिवालय नारायणगढ़ के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई को अध्यापक सेशन जज की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सेशन जज जो JBT अध्यापक नौंदी में लगे हुए थे, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी हथियारों के द्वारा। और हथियारे कोई और नहीं, बिल्कुल परिचित गांव के ही बार बार चेतावनी देने वाले, बार बार जज को परेशान करने वाले व्यक्ति थे। और उन व्यक्तियों का नाम भी परिवार वालों ने जो है वो DSP साहब को, प्रशासन को, सभी को दिए हुए हैं, लेकिन आज तक उन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इवन दैम एक बिल्कुल भी, हम ये कहें कि 0% पे वहीं खड़े हैं जहाँ पर हमारे जिस दिन जज भाई की डेथ हुई थी, जैसा उस दिन था माहौल वही आज माहौल है। एक दो व्यक्ति को, वो भी खासकर दाएं बाएं के व्यक्ति को पकड़ करके एक इतिश्री करने की कोशिश की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई। और इसी के कारण हम लोगों ने पहले भी एक बार धरने की कॉल दी थी, DSP के निवेदन पर हम लोगों ने जो है वो पीछे उसको डिले कर दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अध्यापक समाज जो है वो प्रशासन के साथ रहना चाहता है, वो शांत और समाज की भलाई चाहने वाला समाज होता है। लेकिन DSP साहब ने जो है कोई भी कार्रवाई न करके अध्यापक समाज के जो साथ किया गया वादा था उसको नहीं निभाया, उसको तोड़ दिया है। इसलिए आज जो हमारा सारा समाज है, सभी यूनियन से लोग इकट्ठे होकर के अध्यापक समाज जो है वो DSP और जो हमारा नारायणगढ़ का प्रशासन है उसके खिलाफ धरने पर बैठा है और बार बार मांग ये करता है कि जल्दी से जल्दी जो है भाई सेशन जज के जो हथियारे हैं उनको सजा दी जाए उनको। तो ये जो नारायणगढ़ का प्रशासन है, पुलिस का क्या रवैया रहा है इस हत्या के पीछे? देखिए, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन भी प्रशासनिक अधिकारी बहुत लेट, बहुत देरी से परिवार के साथ पहुंचे थे, तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन की तो संवेदनहीनता हो गई है। वो उसके बाद जब धरने का या गांव वालों ने जो लाश को वहाँ पर रख के प्रदर्शन किया था, वहाँ पे भी एक लीपा पोती करवा करके कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, वहाँ से लाश को उठवा दिया और आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन के अंदर जो है वो उनको पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख लो कि कितना समय निकल गया, इतना समय निकलने के बाद भी जो है ये आज तक किसी भी एक जो मुख्य आरोपी है उसको नहीं पकड़ पाए हैं। और इसलिए हम ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो नकारा है, बिल्कुल नकारा है। नारायणगढ़ जितना शांत प्रदेश था, हमारा एरिया जो है बहुत शांत था, आज तक यहाँ पे कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई थी। और पिछले 5-4 महीने में आसपास में इतनी घटनाएं हो सकी हैं, खासकर मर्डर की इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन एक को भी ये ट्रेस करने में सफल नहीं हुई। इसलिए पुलिस प्रशासन से तो आशा रखना मेरे ख्याल में आम सामान्य नागरिक के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है नारायणगढ़ में जीना।